दिल्ली के देशबंधु थाना में दो ऐसे छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो बुलेट मोटरसाइकिल से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। ये दोनों बदमाश इतने शातिर थे कि लूट की वारदात को अपने बहनोई की बुलेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे। मोहम्मद समीर और मोहम्मद फैजान अजमल खार रोड से एक महिला का मोबाइल लूटकर बुलेट मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, तभी महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद वहां बीट पर खड़े पुलिस ने उनका पीछा कर दोनों बदमाशों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये दोनों पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लूटपाट की घटना को बुलेट मोटरसाइकिल से अंजाम देते थे जो उनके बहनोई की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है जिसमें दो वारदात का अंजाम देते थे।